पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन कानपुर में पुलिस ने एक सॉल्वर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि सॉल्वर के प्रवेश पत्र और आधार कार्ड में लगी फोटो में गड़बड़ी पाए जाने पर जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हुआ। किदवई नगर पुलिस के अनुसार पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन साकेत नगर स्थित सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में शनिवार को द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक देव नारायण सचान और आशीष गुप्ता की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि अभ्यर्थी रामदीन सिंह निवासी शीतल विहार कॉलोनी कालिका नगला आगरा की फोटो में भिन्नता है। इस पर पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और यहां पर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में युवक ने अपना नाम धौलपुर राजस्थान निवासी नरेंद्र सिंह बताया। उसने बताया कि वो रामदीन की जगह परीक्षा देने यहां पर आया था। परीक्षा को पास करने के लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी नरेंद्र ने बताया कि मध्य प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा वो पास कर चुका है। उसका 23 सितंबर को फिजिकल टेस्ट होना था। लालच में आकर वो सॉल्वर बन गया। थाना किदवई नगर के अंतर्गत में एक सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती की परीक्षा आयोजित हो रही थी। कल दिनांक 24/8/2024 को जो द्वितीय पाली की परीक्षा थी, उस समय एक परीक्षार्थी जिसके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और मौके पे जो व्यक्ति था, इस तीनों फोटो में भिन्नता पाई गई थी। उसे शक के आधार पे उसे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम पहले रामदीन बताया, जैसा कि एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में अंकित था। उसे जब कुछ और बेसिक डिटेल्स रामदीन के बारे में पूछा गया तो बेसिक डिटेल बताने में संभव नहीं हो सका उसके लिए। फिर जब उससे पूछताछ की गई, काफ़ी पूछताछ करने के बाद में जब उसे ने अपना नाम नरेंद्र बताया, उसने बताया कि मैं वाकई में मेरा नाम नरेंद्र है और मैं धौलपुर जनपद का रहने वाला हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे वो जिसके बदले में परीक्षा दे रहा था उसका नाम उसने रामदीन बताया। और जो एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस है वो जनपद आगरा का है, लेकिन जब उसके बारे में उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि रामदीन भी जो है धौलपुर का रहने वाला। इस संबंध में थाना किदवई नगर पे जो सुसंगत बीएनएस की धारा है और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा सार्वजनिक परीक्षा की जो धारा है, उसके अंतर्गत में मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं और उसके आधार कार्ड और बाकी चीज़ें जो है पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। उससे और भी पूछताछ की जा रही है और जो इसके साथ ही रामदीन है उसके लिए भी जो हम लोग हमारी टीमें लगी हुई है और इससे पूछताछ करने के बाद में इसमें प्राइम एफ एस सी जो अपराध बन रहा है उसके आधार पर इसको मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय में इसको भेजा गया।